डेटाबेस का नाम था हमारा न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ के अंदर कमेंट्स यूज़र इंसर्ट कर रहा था, और जो भी न्यूज़ जो भी कमेंट किसी भी न्यूज़ पे यूज़र इंसर्ट करता था या सेंड करता था, वो उसका जो स्टेटस होता था वो पेंडिंग होता था। लेकिन वीडियो ऑन है, हमने जो है ये कहा था कि सिर्फ फ्रंट इंटरफेस पे वो जो है अप्रूव्ड होंगे कमेंट्स, जो कि क्या होंगे, अप्रूव्ड होंगे, जिनका स्टेटस अप्रूव्ड होगा सिर्फ वो कमेंट शो होंगे, अदरवाइज जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा वो कमेंट शो नहीं होंगे। तो हमने अप्रूव्ड इन इन कमेंट्स के स्टेटस को अपडेट करना है, तो हमने कौन सी क्यूरी चलानी होगी, अपडेट की क्यूरी चलानी होगी। एडमिन 123, कमेंट में आ गए, न्यू कमेंट, ये देखिए कमेंट आया हुआ है किसके लिए, अप्रूवल के लिए, और ये हम किसके बनने के लिए बनाएंगे, ऑल कमेंट्स, अभी बनाया नहीं है ये पेज, हमने बनाएंगे। तो असल काम तो यही है कि हमने क्या करना है, कमेंट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करेंगे तो ये कमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और अप्रूव करेंगे तो ये कमेंट शो हो जाएगा इंटरफेस पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसकी फाइल ओपन कर लेते हैं। एडमिन में कमेंट, किस नाम से बनाई थी, न्यू कमेंट और ऑल कमेंट, न्यू कमेंट में क्या, हमने इसके स्टेटस को अपडेट करना है, इसी पेज पे ही अपडेट रखें। सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी हाँ। ठीक है, तो हमने इसको इसी पेज पे रखेंगे, इसी पेज पे भेजेंगे, और साथ में क्या देके भेजेंगे इसको, न्यू डैश कमेंट, और तो कुछ नहीं आ रहा, किसी और चीज़ की आईडी तो नहीं आ रही, ठीक है, न्यू कमेंट डॉट डैश पीएचपी डॉट पीएचपी और स्लैश आईडी इक्वल टू इको डॉलर रॉ जी, क्या रख दें इसके अंदर, कमेंट की आईडी ना, आईडी, ठीक है, कमेंट फैच हो के आ रहा है, और यहां हमने उसकी आईडी कमेंट की आ गई हमारे पास। जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा, आईडी के वेरिएबल में क्या चीज आगे जाएगी, यूआरएल के अंदर जाएगी, उस कमेंट की आईडी यूनिक होगी, और उस आईडी को मैं उस अपडेट करवा सकता हूँ, कब, जब इसके अप्रूव पे क्लिक करेगा वो, ठीक है। तो आ जाएं देख लें कैसे होगा ये काम, यहाँ पे जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा, अब देखिएगा, मैं इसको सेव करता हूँ इस फाइल को, चल भाई, अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने इस पे क्लिक किया तो ऊपर देखें, न्यू कमेंट डॉट पी एच पी, फाइल का क्या नाम था, कमेंट्स था,
क्लिक किया, कमेंट्स डॉट पी एच पी के पे क्या गया, एक अदद आईडी गई, आईडी में इक्वल टू टू, यानी कि इस पेज पे एक आईडी चली जाएगी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो, और वो आईडी क्या होगी, दो होगी जो भी होगी मतलब, ठीक है। अब देखें आगे काम करें, मैंने कहा इफ इस सेट अगर डॉलर अंडर स्कोर रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ जाए, मेरे पास आईडी आ जाए, क्या करो, वेरिएबल तो नहीं बना हुआ डॉलर आईडी का ऑलरेडी, नहीं है ना, तो डॉलर आईडी का वेरिएबल बनाओ और ये चीज़ उसमें रखो, ठीक है। उसके बाद एक अदद क्यूरी राइट कर लो, जी अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, कमेंट्स, अपडेट कमेंट्स सेट, ठीक है, स्टेटस इक्वल टू क्या कर दो, अप्रूव्ड, वेयर आईडी बराबर हो जाए किसके, डॉलर आईडी के। समझ आई ये वाली क्यूरी, समझ आया, अपडेट कमेंट्स, हम अपडेट की क्यूरी चला रहे हैं, सेट स्टेटस जो है हमारे पास, इस ये क्यूरी क्या करेगी, इस स्टेटस को पेंडिंग से क्या कर देगी, अप्रूव, कब करेगी, जब मैं अप्रूव के बटन पे क्लिक करूंगा। अभी आगे काम करते हैं, इस क्यूरी को रन करेंगे, डॉलर कौन, फाइल अटैच नहीं है क्या, डॉलर क्यूरी, ठीक है। अपडेट आएगा जी, बिल्कुल अपडेट आएगा क्योंकि अपडेट की क्यूरी चला रहा है, और इसको किस में रख लें, एक अदद वेरिएबल में रख लें, डॉलर सीक्वल टू, ठीक है, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखें इफ अगर ये काम हो जाए तो क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो डॉलर कहाँ शो करा दो इसको, यहीं पे बनाओ और यहीं पे इसको दिखा दो, ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे दिखाओ और यहीं पे इसको इको करा दो, बस आसान काम। ग्रीन कलर का टेक्स्ट आएगा, ठीक है। वो अप्रूव पहले ही हो गया, वो क्लिक था ना उस पर, ठीक है, कमिट हैज बीन अप्रूव्ड,
अभी कोई कमेंट है? वीडियो पे कमेंट देते हैं, चलें। अच्छा, इसके बाद एक काम और भी करो। देखो मैंने कमेंट ये यहाँ पे कर दिया है, लेकिन अभी तक आईडी में ऊपर क्या आ रहा है? टू। इसको भी आप ऐसा करें, रिफ्रेश कर दें। इसके बाद क्या कर दें, इसको इको स्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन ठीक है। ठीक है, न्यू डैश कमेंट्स ठीक है। अच्छा, आप कोई कमेंट नहीं है यहाँ पे, ओके इसको ओपन कर लेते हैं। किसी वीडियो पे कमेंट दे देते हैं। कमेंट दिया, फॉरेन कमेंट आ गया यहाँ पे, इसको क्या कर लें अच्छा, इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट आ रहा है अभी? नहीं ना, मैं जैसे ही इसको यहाँ पे अप्रूव करूँगा, कमेंट यहाँ से चला गया। और देखें, ये यूआरएल भी क्लीन हो गया मेरा। यहाँ पर दोबारा मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ। कौन सी वीडियो है ये? फर्स्ट वाली। कौन सी थी? ये वाली थी ना। हाँ, ये थी। आ गया कमेंट, है ना, कमेंट आ गया। अब डिज़ाइन इसका आप स्टाइल जो चाहे रख दें। तो ये इस तरह से आपके कमेंट्स क्या होंगे, अप्रूव भी हो सकते हैं, और अभी रिजेक्ट तो बनाया नहीं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। रिजेक्ट होने की सूरत में क्या होगा, अब वो देख लें। सेकंड बटन, इसी पेज पे ही रहेगा। इसी पे भेज दो, क्या है, तो प्रॉब्लम है, इसी पे भेज दो क्या? क्या चीज, क्या? हाँ तो डिलीट कर देंगे ना यहाँ पे इसको, ऐसे डिलीट नहीं हो सकता, हो जाएगा डिलीट ये अभी हो जाएगा। अच्छा, अब की दफ़ा आईडी नहीं भेज रहा हूँ मैं, अब की दफ़ा आर आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी आईडी? रिजेक्ट आईडी ठीक है, आर आईडी, क्योंकि वरना एक जैसे ना हो जाए ना, एक ही पेज पे दो वेरिएबल एक जैसे, रिजेक्ट आईडी। लेकिन इसी चीज़ को ऐसे कॉपी किया, इसी के नीचे रखा, बिल्कुल मैंने कहा अगर क्या आ जाए, आर आई डी आ जाए, आर आई डी और आर आई डी ठीक है। तो अब की दफ़ा अपडेट नहीं करेंगे, अब की दफ़ा क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम कमेंट्स वेयर
आईडी बराबर हो जाएगी इसके, ठीक है। ठीक है, होता है ना सम टाइम कुछ लोग ऐसे कमेंट दे देते हैं जो कि क्या करने पड़ जाते हैं, डिलीट करने पड़ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वेरी बैड वन, अला भला, पता नहीं क्या क्या मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, और ऐसे मैंने इसको सेंड कर दिया, लेकिन ये कहाँ गया, अप्रूवल पे। और जब अप्रूवल पे आया तो मैंने अपने कमेंट्स चेक किए, मैंने बोला ये क्या चीज़ भेज दी किसी ने, ये तो गलत हो गई, ये तो हमें नहीं शो करानी, तो हमने उसको क्या किया, रिजेक्ट। ठीक है, अब आ जाएं, ये कमेंट यहाँ पे होगा, आ जाएगा, नहीं आया ना, और डेटाबेस से भी क्या हो गया होगा, ये कमेंट मौजूद है, वो बैड वीडियो वाला चला गया ना यहाँ से भी, वो कमेंट आया तो होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से भी क्या हो गया, क्योंकि जब यहाँ आया था, जब यहाँ आया था तो राइट सी बात है डेटाबेस में भी आया होगा, तो कमेंट आपका डिलीट भी हो गया। क्लियर है बात, सब लोग अलग पेज पे ले जाते, कितनी मेहनत करनी पड़ती, यहीं हमने उसको निपटा दिया। अब क्या काम रहता है, अब कोई काम रहता है, ऑल कमेंट, ऑल कमेंट बना लेते हैं, वहाँ तमाम अप्रूव कमेंट दिखा दें इसी तरीके से, बिल्कुल ऑल, ऑल का कोई पेज बना होगा ना तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ऑल कैटेगरी या ऑल सब कैटेगरी या ऑल वीडियो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सीरियल नंबर, उसके बाद आ गया आपके पास, क्या दिखा दें, कमेंट दिखा दें, कमेंट और यूजर काफी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कमेंट को डिलीट वगैरह कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स, क्यूरी चलाया, ये सब कुछ किया, ठीक है, इमेज नहीं चाहिए, ओके, उसकी जगह हमें क्या चाहिए, कमेंट चाहिए, यूसी वर्ड या फर्स्ट की भी नीड नहीं है, कमेंट कमेंट,
UID है उसमें शायद, ठीक है अप्रूव। तो यहाँ पे जितने भी कमेंट आ रहे होंगे वो सब अप्रूव्ड होंगे? बताइए, यहाँ जितने भी कमेंट आ रहे होंगे सब अप्रूव्ड होंगे क्या? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। अप्रूव्ड होंगे सारे? नहीं होंगे अप्रूव्ड। फॉर एग्जांपल यूँ नहीं होंगे क्योंकि जो कमेंट्स वाला टेबल है उसके अंदर तमाम वो चीज़ें होंगी जो कि जिनका स्टेटस अप्रूव्ड भी है और रिजेक्ट भी है, वो तमाम चीज़ें होंगी। अगर मैंने उस पर न्यू कमेंट के अंदर जाके मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया, अगर मैंने जिन कमेंट्स को रिजेक्ट करना था वो सारे कर दिए, वो डिलीट कर दिए, तो फिर तो सारे आएंगे ना, पेंडिंग स्टेटस वाले भी आएंगे और यहाँ पर अप्रूव्ड स्टेटस वाले भी आएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे वो कमेंट दिखाओ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल टू क्या हो जाए, आप कौन से आएंगे? आप अप्रूव्ड वाले आएंगे। अब अप्रूव्ड फॉर एग्जांपल ये हुआ, मुझसे गलती से अप्रूव्ड हो गया, मुझे डिलीट करना था ना, तो अब क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से भी उस कमेंट्स को डिलीट कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक और मौका है, ठीक है, तो अब भी डिलीट कर सकता हूँ। इसी पेज पे रखो, आईडी में क्या लेके जाओ, ठीक है, यहां से भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब वही वाला काम जो हमने यहां किया था ना, बना लेता हूं टेबल के ऊपर नजर आ जाएगा ना, इफ इस साइड अगर आईडी आ जाए तो उसको किसमें रख दो, आईडी में रख दो, डिलीट फ्रॉम कमेंट्स वेयर आईडी बराबर हो जाए इस आईडी के, कमेंट हैज बीन डिलीट, और इसको कहां भेज दो, सही है? कितनी देर का काम था? अब आ जाते हैं, इस पेज को खोलते हैं, ऑल कमेंट्स आ गया होगा, बन गया। ये तमाम कौन से कमेंट्स आ रहे हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, लेकिन अभी भी मैं किसी कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये काशिफ के कमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, चला गया, समझ आया सब लोगों को? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल यहाँ तक किसी का भी? जी जी हाँ, क्लियर है यहाँ तक? कमेंट्स क्लियर हैं? कमेंट्स कैटेगरी सब कैटेगरी वीडियोस, ठीक है। अब ये नीचे वाले जितने हैं ये सारे आप क्या कर दें, इनको डिलीट कर दें, इनकी ज़रूरत है अभी? अच्छा, इनके आइकन चेंज कर लीजिएगा आप लोग, या मैं डिलीट कर देता हूँ हेडर में जाके इन सबको, बाकी की चीज़ों को। बिल्कुल करेंगे आप लोग, सबसे आसान काम अपलोड ही करना है।
असल काम तो बनाना है भाई। अपलोड है आपका, बिल्कुल है, कोर्स का हिस्सा है आपके, करेंगे आप लोग। ये एल आई, इसको मैंने डिलीट किया, ये एल आई, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इस एल आई को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, और इस एल आई को भी डिलीट, 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 और ये ब्लैंक वाली एल आई को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। फालतू की जितनी चीज़ें थी नीचे वो सब मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अब मज़ीद पेजेस भी हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो हमने उस वक्त डिलीट नहीं किए थे। ये पेज हमारा तो नहीं है ना, HTML वाली कोई भी हमारी नहीं है इसमें से, ठीक है, और ये रह गए, ठीक है। इन तमाम फाइल्स को हमने क्या करा, डिलीट रखे रहने दें, ठीक है। सही है जी, और इसका इंटरफेस हमारा ये बन गया। अच्छा, इसके अंदर बस एक चीज़ है, जो कैटेगरीज़ की आपने सब कैटेगरी बनाई थी उसमें आप टेबल को अल्टर करके उसमें एक इमेज और ऐड कर दीजिएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे तो तमाम आपकी उसकी रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। सही है ना, ये काम तो कोई मुश्किल नहीं है यार। मैंने लोगों पे एंकर नहीं लगाया, ठीक है, मुझे लगाना चाहिए था। कोई सवाल किसी का यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लोज हो गया, इसमें सारी चीज़ें हमारी फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा ई कॉमर्स का, तो इंशाल्लाह वो हम कल से शुरू करेंगे, और उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी हम स्टेप, अच्छा ई कॉमर्स के अंदर आपकी 70% चीज़ें तो यही होंगी, क्योंकि उसमें भी CMS बनेगा, 70% चीज़ें यही होंगी, 30% चीज़ें डिफरेंट होंगी। अब उन 30% में क्या डिफरेंट होगा ज़रा वो बता देता हूँ। एक तो है आपका उसके अंदर पेमेंट मेथड, ठीक है, एक सेकेंड, एक है आपका उसमें पेमेंट मेथड, और दूसरा है उसमें आपका शॉपिंग कार्ट। पर दो चीज़ें, हम शॉपिंग कार्ट को पढ़ेंगे पहले अलग से, प्रोजेक्ट के साथ नहीं, अलग सेपरेट, बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले शॉपिंग कार्ट को पढ़ेंगे अलग से सेपरेट बिल्कुल, उसके बाद फिर पेमेंट मेथड को, पेपॉल पेमेंट मेथड पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद सेपरेट दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर हमारा रह जाएगा प्रोजेक्ट। जब हम ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो प्रोजेक्ट हमारा एक हफ्ते में कंप्लीट, दो क्लासे मैक्सिमम, टू क्लासेस हमारी लगेंगी पेमेंट मेथड को समझने के लिए, एक क्लास ही बहुत है, और मैं लेकिन दो लगाता हूँ मैं, और दो क्लासेस हमारी लगेंगी शॉपिंग कार्ट को समझने में, चार क्लासें, और एक हफ्ते में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म। 10 दिन में, अगर आप आज 5 तारीख है या 4 तारीख है, तो 14-15 तक आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो एक हफ्ता बचेगा, एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता जो भी बचेगा, उसमें आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। अब आप अपने कोर्स के कहाँ पर हैं, साहिल पे पहुँच गए हैं, वो होते ना आप शिप में बैठते हैं, जब आपको साहिल नज़र, एक जगह जब साहिल आने वाला होता है तो नज़र आना शुरू हो जाता है, तब तो यहाँ से आपका साहिल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप बस उतरने वाले हैं, जहाज़ आपका, अगर हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो जहाज़ आपका ज़मीन पे लैंड करने वाला है, पहुंच गया है, ठीक है।
70% चीज़ें जो जिस तरह से आपने इसमें काम किया है ई कॉमर्स में भी 70% आप बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे। 30% जो चीज़ें डिफरेंट होंगी वो हम अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। उसका बहुत फ़ायदा होगा जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर ई कॉमर्स, तो आपको उस वक्त पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, किसी का कोई सवाल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल? तो अब आप लोग ये करेंगे सब लोग कि सब लोगों ने एक CMS बेस्ड वेबसाइट बनानी है। अब कैटेगरी आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर लें, कैटेगरी आप लोग कोई स्कूल ले लें, कैटेगरी कोई आप न्यूज़ की साइट ले लें, कैटेगरी कोई आप वीडियो साइट ले लें, कैटेगरी आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई लाइब्रेरी ले लें, कोई बुक्स ले लें, कोई मोबाइल ले लें, कोई शॉपिंग साइट ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आप जो भी चाहे चूज कर लें, बस आप ये करें कि जितनी भी उसके अंदर कंटेंट है वो मैनेज हो सके, मैनेजेबल हो, कंटेंट मैनेजेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपने CMS बेस्ड वेबसाइट बनाई और कंटेंट उसका फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट है वो चेंज होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब उनकी रोज़ाना नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो वो क्या चाहेंगे प्रोडक्ट। अगर किसी का कोई समझ लें कोई ऐसा गारमेंट्स का कोई बिजनेस है, टी शर्ट सेल कर रहा है या जीन्स की पैंट सेल कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं रोज़ाना अपनी नई प्रोडक्ट डाल सकूँ ना, ऐड कर सकूँ। तो CMS के थ्रू आप उसको कम से कम ऐड करवा सकें और डिलीट करवा सकें पुरानी प्रोडक्ट को। इतना काम आप लोग आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके हैं सब लोग? बिल्कुल, तो मैं यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग कोड पूरा रीड करो, अगर किसी को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लें कि सर यहाँ पर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, आप लोग सारा कोड रीड करें और फिर मुझे बताएं।